अश्वन ऋतु विक्रम और इन पे जो कार्रवाई हो रही है ये घटना नहीं संकेत है। संकेत है कि दक्षिण पंथी विचारधारा आरएसएस बीजेपी ने पूरे विश्वविद्यालयों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। जब से 14 में मोदी जी आए हैं तब से जो है ना और तेज हो गया रफ्तार विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़ों के दमन का। पायल तड़वी ने सुसाइड किया, आईआईटी में बच्चे सुसाइड किए, एक चंद्रशेखर प्रोफेसर जम्मू में थे, प्रोफेसर थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। परंपरा कह रही है कि आप सर्वश्रेष्ठ जी, और ज्ञान और संविधान कह रहा है कि कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं। तो उनको जो इनको हजारों साल से बना बनाया कल्चरल कैपिटल मिला है गांधी का चम्मच के साथ आए, और हमारे जैसे लोग जो संघर्ष करते हैं उनकी वैचारिकी को चुनौती दे रहे हैं। मैं हूँ, लक्ष्मण हो, ऋतु हो, तमाम ऐसे लोग चुनौती दे रहे हैं, तो उनसे जो है ना इनका जो ताश के पत्तों का जो महल है ना वो भड़बड़ा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार लक्ष्मण यादव को लेकर पूरे देश भर में बहस का माहौल है। लक्ष्मण यादव दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के वह शिक्षक हैं जिनको की परमानेंट नहीं किया गया। सवाल यह था कि वह 14 वर्षों से पढ़ा रहे थे, लगातार अपने विषय में पारंगत थे, स्कूल कॉलेज के छात्रों ने भी काफी समर्थन दिया, और अब पूरे देश भर में यह सवाल की तरह बन गया है। इसके अलावा डॉक्टर रितु सिंह हैं जो पिछले 100 दिन से ज्यादा से संघर्ष कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर रतन लाल हैं, वह खुद भी इस माहौल और इस मुश्किल के गिरफ्त में है। वह इन दिनों प्रोफेसर तो हैं लेकिन उन पर कानूनी शिकंजे हैं। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विक्रम हरिजन साहब हैं, उन पर भी इस तरह की दिक्कतें हैं जिसमें कि विश्वविद्यालय ने माना है कि यह लोग किसी न किसी रूप में आपराधिक षड्यंत्र या आपराधिक कार्रवाइयों के हिस्सेदार हैं और उन्हें किसी न किसी रूप में प्रताड़ित किया गया है। इस बात को समझने के लिए बेहद जरूरी है कि क्या यह कोई खास तरह का टारगेट किया जाना है, क्या यह कोई प्रयास है विचारधारा के खिलाफ खड़े होने का। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर रतन लाल है। रतन लाल खुद 153A और 295A के तहत मुकदमे झेल रहे हैं। रतन जी, आपसे देश यह जानना चाहेगा कि यह स्थितियां क्या आप लोग लगातार राजनीतिक रूप से सरकार की आलोचना करते हैं, अपनी बात कहते हैं, उसकी वजह से ये है या यह सिर्फ जातिगत उत्पीड़न है? दोनों है। अगर मैं आलोचना न करूं और अपने तरीके से लिखाई पढ़ाई भी करूं तो भी भेदभाव होंगे ही होंगे। और ये आपने जो नाम लिए, 3-4 नाम लिए, लक्ष्मण, ऋतु, विक्रम जी, और इन पे जो कार्रवाई हो रही है ये घटना नहीं संकेत। ये संकेत है कि दक्षिण पंथी विचारधारा आरएसएस बीजेपी ने पूरे विश्वविद्यालयों पर एक तरह से कब्जा कर लिया। यू एग्री विथ अस, हमारे साथ आओ और नहीं तो तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। ये तो मूल बात है और ये रोहित बुमला से शुरू हुई थी और उससे पहले से भी मैं लड़ रहा हूँ सिस्टम से। जब से 14 में मोदी जी आए हैं तब से जो है ना और तेज हो गया रफ्तार विश्वविद्यालयों में दलित पिछड़ों के दमन का। पायल तड़वी ने सुसाइड किया, आईआईटी में बच्चे सुसाइड किए, एक चंद्रशेखर प्रोफेसर जम्मू में थे, प्रोफेसर थे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। तो आखिर ये सब कैसे हो रहा है, इसको समझना पहले साइकोलॉजी इसका समझना बेहद जरूरी है। देखिए, जब तक भारत के समाज को नहीं समझेंगे तो ये जो चल रहा है ये मुझे कोई इसमें अचंभा नहीं लग रहा है, कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि ये सब नहीं होगा, ये सब होगा। और इसके लिए, इससे संघर्ष करने के लिए वैचारिक रूप से हमारे जैसे लोगों को सशक्त होना पड़ेगा और इसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। देखिए, भारत क्या है, आप जब तक इसकी जाति व्यवस्था को नहीं समझ, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम ही सिर्फ पढ़ना लिखना, ब्राह्मण का काम ही सिर्फ पढ़ना लिखना था, क्षत्रिय राजशास्त्र चलाएंगे, थ्योरेटिकल फॉर्मुलेशन। इस पे सबसे पहला आघात हुआ जब आईपीसी सीआरपीसी बना, कानून के नजर में समान माना गया, ठीक है सर जी। उसके बाद अंग्रेजों के शासनकाल में थोड़ा सा अस्पृश्यों को, दलितों को ही पढ़ने की सुविधा मिली, डॉक्टर अंबेडकर उसी से निकले, फूले उसी व्यवस्था से निकले। आजादी जब हुई तो आजादी के बाद
ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर ये दूसरा बड़ा संविधान जो है ना, दूसरा बड़ा जो है उस पर हमला था एक तरह से, जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए। कानून के समक्ष नागरिक को समान माना गया, लेकिन परंपरा कह रही है कि पढ़ेगा सिर्फ ब्राह्मण, और कानून कह रहा है कि पढ़ेगा सब। तो देखिए उसके बाद से जो है सरकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, IITs ये सब खुले सरकारी, जी सबकी गुणवत्ता बेहतर थी। हम सब सरकारी स्कूल, सरकारी संस्थान के ही पढ़े हुए। अब 90 तक देख लीजिए, 90 तक अगर सरकारी संस्थानों को देखेंगे तो उसमें जो पढ़ने वाले छात्र रहे हैं ज्यादातर अपर कास्ट के छात्र रहे हैं, कुछ आरक्षण की वजह से कुछ उसमें SC ST पढ़ पाए। तो जब तक ये 4 जनरेशन, 43-44 साल तक 4 जनरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पढ़ लिया, क्वालिटी एजुकेशन, IIT भी सरकारी है, यूनिवर्सिटी भी सरकारी थे, स्कूल भी सरकारी थे। मुझे पता है मेरे गांव में 10 बजे से 4 बजे तक क्लास लगती थी स्कूल, हम लोग सरकारी स्कूल 10 बजे से 4 बजे तक चलती थी, टीचर पढ़ाते थे। तो जब तक इनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस अपर स्ट्राटा एजुकेशन लेना था, सरकारी व्यवस्था ठीक ठाक रखा गया, बेहतर एजुकेशन दिया गया। आप नेतरहाट का नाम सुने होंगे, पटना कॉलेज का नाम सुने होंगे, LS कॉलेज का नाम, सब बड़े बड़े संस्थान थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सुने होंगे। लेकिन 90 के बाद देखिए सोशल चर्निंग जब होता है, उसमें आप पिछड़ों में भी एजुकेशन को लेकर भागीदारी की समझ बढ़ने लगती है, उसी समय से धीरे धीरे ये इलीट क्लास अपने आप को सरकारी संस्थान से निकालना शुरू करता है, और उसकी हालत धीरे धीरे जो हो चुकी है, अब लाखों की संख्या में स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी स्कूल, क्योंकि उन्हीं सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे लोग, हमारे जैसे लोग भी निकले। और जो आंदोलन हो रहा है, बड़ी बड़ी पार्टी चल रही है, चाहे बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, उनको चंदा इसी सरकारी स्कूल के पढ़े हुए लोगों ने उसको चंदा दिया, उसको विचार, ठीक है। लेकिन 90 के बाद जैसे जैसे सोशल चर्निंग शुरू हुआ और उसमें डाइवर्सिटी आने लगा एजुकेशन में, तो साजिशन मैं कह रहा हूं सरकारी संस्थानों को धीरे 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 उसको बर्बादी की तरफ ले जाया गया। जिनको 4 जनरेशन लाभ लेना था, वो लेके पढ़ के सब अमेरिका, इंग्लैंड सब सेटल हो गए, उनके पास पैसे थे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब ये दलित पिछड़े आदिवासियों में चेतना आई कि एजुकेशन के लिए, तभी से इसमें एक ब्लो होना शुरू हो गया। अब देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 97 में SC ST का रिजर्वेशन लागू हुआ, और OBC का रिजर्वेशन 2006 में लागू हुआ। तो यूनिवर्सिटी का जो सोशल कॉम्पोजिशन है वो धीरे 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 बदलने लगा, बहुत सारे SC ST OBC भी आने लगे। तो जब आने लगे हैं तब तो जिनका एक अधिकार था यहाँ पे, विशेष रूप से एक जाति विशेष का, तो उनको लगता है कि उनकी जमींदारी में जो है ना इन लोगों से सेंध मार दिया है। उसके बाद से विश्वविद्यालयों में फूले, पेरियार, अंबेडकर, तमाम, बिरसा, सब पे चर्चा हुई। तो इसलिए वैसे लोग जो कि निश्चित रूप से जातिवादी मानसिकता से ग्रसित, और जो BJP RSS की जो दर्शन है आप जानते हैं, तो मनुस्मृति उनका आदर्श है, संविधान तो शुरू से नहीं मानते रहे RSS वाले, तो उनको लगता है कि हमारे जागीरदारी में ये लोग कैसे बोल रहा है, कैसे तर्क कर रहा है, ये यहाँ का खेल। जो लोग व्यवस्था में आके व्यवस्था से एकदम ऐसे मिल के रह रहे हैं, उनके लिए क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ज्ञान के विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं, वैचारिकी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो सवाल करने कर रहे हैं, जो सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये सरकार, विश्वविद्यालय, कॉलेज चुन के बिछड़ी रहते वो कर रही है, नहीं हो सकता मुझे निकाल नहीं, तरह तरह से अगर चेक कर जाए मेरिट का नहीं को। रतन लाल जी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है। जी अपने आप ठीक हो गया हाँ, वापस आप। तो निश्चित रूप से ये जातिवाद, क्योंकि परंपरा कह रही है कि आप सर्वश्रेष्ठ हो, जी और ज्ञान और संविधान कह रहा है कि कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं, तो उनको जो इनको हजारों साल से बना बनाया कल्चरल कैपिटल मिला है, जी चांदी का चम्मच के साथ आए हैं, और हमारे जैसे लोग जो संघर्ष करके उनकी वैचारिकी को चुनौती दे रहे हैं, मैं हूं, लक्ष्मण हो, ऋतु हो, तमाम ऐसे लोग चुनौती दे रहे हैं,
उनसे जो है ना इनका जो ताश के पत्तों का जो महल है ना वो भड़बड़ा रहा है। बाबा साहब ने भी लिखा था ना अपने पहले संपादकीय में कि चार मंजिला इमारत है, जो जिसमें पैदा होता है उसी में मर जाता है, कोई इसमें सीढ़ी नहीं ऊपर नीचे जाने। तो संविधान ने आया तो उनका सीढ़ी लगा दिया, उसमें ऊपर नीचे जा सकता है, तो किससे समस्या हो रही? जो लोग लिख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो बोल रहे हैं। और एक शिक्षक का काम है, शिक्षक का काम है समीक्षा करना, वैचारिकी को पैदा करना। तो जो लोग ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं उन लोगों को तरह तरह से साजिश करके उनको फंसाने की कार्रवाई चल रही है। तो रतनलाल जी, दोनों बातें आप कह रहे हैं, विचारधारा की भी लड़ाई है, जाति की भी लड़ाई है। ऐसे समय में बड़े स्तर पर हमला विचारधारा का है, जातिवाद हमारे इनहेरेंट में है। तो अगर इस संघर्ष को, जैसा कि आप सब सोच रहे हैं और लगातार संघर्षों में शामिल हैं, कि इसको शिक्षा और संविधान बचाओ अभियान की तरह ले जाएं, तो इस संघर्ष को फिर आगे कैसे बढ़ाएंगे? क्या यह जातिवादी प्रखरता इतनी ताकतवर ढंग से बनी रहेगी तो विचार की लड़ाई उतनी ही प्रखरता से लड़ी जा पाएगी? नहीं, लड़ना ही पड़ेगा, ये तो हजारों साल का इतिहास है, ये हर युग में कुछ लोग आए हैं, वो तो लड़ना ही पड़ेगा। और धीरे धीरे आप देश में देख रहे हैं, खास तौर से आप जैसे सोशल मीडिया का ही कमाल है कि ये गोदी मीडिया दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दुनिया भर में खबर जा रही। तो वैचारिक लड़ाई है, तो गौतम बुद्ध के समय से शुरू हुई थी। बाबा साहब ने कहा था कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, ब्राह्मणवाद और बुद्धिज्म की लड़ाई का इतिहास और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो उस समय से शुरू हो रहा है। फिर कबीर और तमाम नानक ऐसे लोग, रैदास, पेरियार, फूले, अंबेडकर, तमाम ऐसे लोगों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ा। तो हम लोग कुछ नया नहीं कर रहे, जो पेरियार साहब ने कहा, जो बाबा साहब ने कहा, जो कबीर ने कहा, उसी वैचारिकी को आगे बढ़ा रहे हैं। और जाहिर है कि मनुस्मृति और संविधान में टकराव है, तो जो संविधान को मानने वाले, जो न्याय को मानने वाले लोग होंगे, वो संविधान के पक्ष में खड़े रहेंगे। तो ये तो दोनों स्तर पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जातिवाद की भी लड़ाई है और विचारधारा की भी लड़ाई। और इतना होने के बावजूद अब मेरे ऊपर आप इतने सारे मुकदमे हैं, और तो बहुत सारा स्टोरी सब लोग जानते हैं। आप छोड़िए, अभी FIR तो 2022 में हुआ ना, जी तो मेरा प्रमोशन क्यों रोक के रखा हुआ था 18 से? प्रोफेसर को छुट्टी मिलती है किताब लिखने के लिए, छुट्टी क्यों नहीं मिल रहा 6 साल से? और आके मेरे कॉलेज में देखिए, कुछ नहीं हुआ था, प्रिंसिपल मेरे घर के सामने कचरादान खुलवा दी है। तो इस गांव में हम लोग जानते हैं कि एलियनेशन के, डिस्क्रिमिनेशन के कैसे तरीके होते। तो क्या उनके दिमाग में जिन्हें कचरा है वो कचरा घर भी खुदाएगा, और मेरे दिमाग में किताब कॉपी है तो पीछे देख लीजिए किताब कॉपी नजर आए। तो ये तो है, तरह तरह से आपको साजिश करेगी, महिला उत्पीड़न केस में फंसा देगा, है ना। वो लोग सुसाइड जो करते हैं तो सुसाइड बाद में करते हैं, मेंटल प्रेशर इतना बनाया जाता है कि दिमाग की नस तो पहले ही फाड़ देता है। हम लोग चूंकि इतिहास सोशल साइंस के छात्र हैं, ह्यूमैनिटीज साहित्य पढ़ते हैं, तो ये लड़ाई को हम लोग समझ पाते हैं, इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि ये सब होना है, ये सब करेंगे, कि तो भारत का जो लेकिन शासक रतन समूह है लाल जी, न्यायप्रिय नहीं है। जातीय जातीय प्रतिनिधित्व के मामले में भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है, और उसमें पिछड़े और दलितों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक तौर पर बहुत व्यापक और बड़ा है। इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद, मतलब 2014 के बाद, इस तरह की स्थितियां और बढ़ी हैं। इन दोनों का तालमेल क्यों नहीं? वही अच्छी बात आपने पूछा। पहले भारत के व्यवस्था को मैंने पहले उदाहरण दिया, जी वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म समझ। क्षत्रिय राजा होंगे लेकिन इतिहास में सब राजा नहीं रहे क्षत्रिय, मुस्लिम भी रहे ना 672 जी साल, उसके पहले भी बहुत लोग रहे, गुप्त काल रहा, मौर्य रहा, तमाम लोग रहे। तो ब्राह्मणवाद क्या कहता कि राजा कोई भी रहे उसका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना, पहला काम। राजा कोई भी हो उसका काम है वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करना। अब आप समझ गए कि इसको एक्सप्लेन करो, जी सांकेतिक प्रतिनिधित्व तो पहले भी होता रहा, एक कोष में से निकालो एक को राजा बना दो और उसी उसी के हाथ में डंडा देकर बाकी को पिटवाओ। प्रतीक के रूप में आप राष्ट्रपति बना दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी जी तो हैं ही, तो सवाल उन्हीं से पूछिए जी कि आखिरकार आपके प्रधानमंत्री काल में आपने 27 मिनिस्टर बनाए थे चुनाव से पहले, अभी आपने आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बना दिया, तो उन्हीं से पूछिए कि बाकी जगह दलित पिछड़ों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं? वो कह क्योंकि देंगे कुछ बाकी हुए हैं, अर्बन नक्सल हैं।
वो तो अब बोल रहे आप हैं। कहने का, खुद ही बोले आरएसएस के प्रचारक हैं, जितने दलित पिछड़े हैं वो क्यों नहीं संसद में आवाज उठाते हैं? जी उनको अपने समाज की बात करनी चाहिए थी ना, संसद क्यों गए हैं? तो वो जनता के प्रतिनिधि आरएसएस के प्रचारक लोग, और आरएसएस की फिलोसफी मनुस्मृति है, उसमें दलित शूद्र भी जाके उसी का आइडियोलॉजी बढ़ाए, समझ रहे बात? तो जी प्रतीकों की बात नहीं है, अपने समुदाय का अधिकार सुरक्षित, जाति जनगणना क्यों नहीं करा लेते फिर? ये सवाल मैं उलट ही देता हूं, जब इतने प्रतीक बना रहे हैं, एक को राजा बना दो और बाकी को जो है डंडे से पीटो, हुआ ना यही जी भाई? जब आईपीसी आया तभी ना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह शुरू होगा, उसके पहले मुगलों के काल में, मुस्लिम शासन काल में सब तो घाल मेल मिला के चल ही रहा था ना, क्योंकि उन्होंने सोशल रिफॉर्म की बात नहीं की, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात नहीं की, यहाँ के वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाया, तो दोनों मिलके यहाँ पे हुकूमत चला, ठीक है? तो इसलिए वो प्रतीक छोड़ दीजिए, वो सब सब भारत की इतिहास ही में ऐसा कि राजा एक को बनाओ और बाकी को उसी के डंडे से पिटवाओ। आरएसएस इस बात जानता है कि ब्राह्मण को हम प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, तो पिछड़े को बनाओ, दलित को भी बना देगा प्राइम मिनिस्टर। सवाल प्राइम मिनिस्टर बनने का नहीं है, सवाल है आपकी नीतियां कैसी, पॉलिसीज कैसे। एससी एसटी में एट्रोसिटीज की संख्या बढ़ी, क्राइम की संख्या बढ़ी, अभी भुखमरी की जो हालत है 80 करोड़ से 83 करोड़ शायद पहुंच गया है, 5 किलो अनाज वाला। तो ये राष्ट्रीय गर्व की बात है कि शर्म की बात, ये समझना होगा ना। आप जितना मिनिस्टर मिनिस्टर आखिर बन के आप किसके लिए काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। आप अडानी के लिए काम कर रहे हैं, आप मंदिर के लिए, मठ के लिए काम कर रहे हैं, कि जनता की भलाई के लिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, उसको रोजगार दे रहे हैं, ये असल मुद्दे हैं ना। एक प्रधानमंत्री बन जाए हमें क्या फर्क पड़ता, उसकी नीतियों से समाज को क्या फायदा होगा? एक ब्राह्मण है मान लीजिए मंत्री हो जाए और वो ज्यादा बेहतर काम करे, भाई जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी ये तमाम लोगों के समय में सरकारी संस्थान बने, बिल्कुल बने कि नहीं बने? वो तो दलित नहीं थे लेकिन उसमें दलितों को रिप्रेजेंटेशन मिला कि नहीं? आईआईटी के दरवाजे खुले, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, नौकरियां मिली, पीएससी खुले। तो सवाल है कि नीति आपकी क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण मसला ये है। महत्वपूर्ण है रतन लाल जी। अगला सवाल आपसे ये है, जो कि आप खुद आप लोग अभियान पर हैं, कि शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ, क्या कोई रोड मैप बनाया है आप लोगों ने? जैसे आप शुरू में जब बातचीत कर रहे थे तो प्राइवेटाइजेशन की चर्चा कर रहे थे और मानते नहीं, हैं एक कि एक साजिश की तरह। मेमोरेंडम तैयार किया गया है जी और राष्ट्रपति जी को भेजा गया है या भेजा जाएगा, मैं अभी कुछ दिन बाहर था तो मैं देख नहीं पाया, संपर्क में नहीं आ पाया, लेकिन सवाल है कि हम लोग लगातार बाहर जाके और देश भर नहीं, में इसकी चर्चा मेमोरेंडम नहीं हो कह रही, रहा था मैं, रोड मैप कह रहा था कि क्या कोई रोड रूपरेखा मैप बनाए। एकदम जी। तैयार होगी। हम लोग जो है हर शहर में जाएंगे, स्टेट कैपिटल में जाएंगे और वहां पे लोगों को जागृत करेंगे। ये सवाल, ये लड़ाई ना हमारा व्यक्तिगत है ना लक्ष्मण यादव का व्यक्तिगत है। अगर व्यक्तिगत होता सबको तो चुपचाप बैठ जाता, क्यों बहस करता? ये लड़ाई जब हम जैसे लोग सुरक्षित नहीं, तो आपके बच्चों का भविष्य क्या होगा सोच लीजिए। तो रोड मैप ये है कि पहले संवाद हो जनता से, अभी देख रहे हैं कई जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको और मोमेंटम देने की, उसको गति देने की, उसको गतिशील बनाने की जरूरत है। और इसमें सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, ये पॉलिटिकल क्लास है वो भी ये सवाल उठाए, मीडिया के लोग लगातार सोशल मीडिया पे सवाल उठ रहे हैं, लीडर्स अगर खुलकर बोले तो रोड मैप यही है कि हम लोग संवाद कर सकते हैं ना। हम लोग फौज तो है नहीं, वैचारिक संवाद होगा, तो हर शहर जा रहे हैं, जहां मौका मिल रहा है वहां जाके इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं। या आप सोच लीजिए कि आने वाले समय में आपके बच्चों का क्या भविष्य होना है, आप तय कर लीजिए। विश्वविद्यालय में आपके बच्चे के लिए कहाँ जगह रहेगा, आईआईटी में कहाँ जगह रहेगा, मेडिकल कॉलेज में कहाँ जगह रहेगा, कि जिस तरह से नीतियां हैं एक ही जगह पे 500 मीटर के बीच दो कानून चल रहा है। मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ, दौलत राम मेरे से 500 मीटर दूर, ठीक, एक फ्रिवलस कंप्लेंट में मेरे ऊपर एफआईआर हो जाता, गिरफ्तारी हमारी हो जाती, प्रमोशन रुक जाता है, विदेश लेक्चर जाने से रोका जाता है, और यहीं पे दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल, उसके ऊपर गंभीर चार्जेस लगे हुए एट्रोसिटीज के, भेदभाव के, चार्जशीट हो गया, लेकिन वो कुर्सी पे बैठी हुई। तो इससे बेहतर एग्जाम्पल समझाने के लिए क्या हो सकता है, कि एक तरफ मनुस्मृति भी चल रहा है और नाम लिया जा रहा है संविधान का, तो लोगों को ये बताना है कि विश्वविद्यालय जो है और कॉलेजेस, अगर आप सचेत नहीं हुए तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कब्रगाह बन जाए। एडमिशन तो मिल जाए लेकिन ठीक से पढ़ने नहीं देगा, नौकरी तो मिल जाए
आत्मसम्मान स्वाभिमान के साथ आपको काम नहीं करने दिया जाए। तो ये व्यक्तिगत नहीं, दो विचारधाराओं का की लड़ाई है, एक तरफ हम खड़े हैं, एक तरफ सत्ता पक्ष खड़ा है, तो ये लगातार इसे बहस हम आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। जी जी शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर रतन लाल, वो उस अभियान का हिस्सा हैं जो शिक्षकों ने अभियान छेड़ा है, संविधान बचाओ शिक्षा बचाओ। मकसद यह है कि देश भर में समाज पढ़े और बराबरी के साथ पढ़े, साथ ही विचारधारा और जाति का जिस तरह का घाल में एक कॉकटेल तैयार किया है, जिसको कि वो संघ की विचारधारा कहते हैं, जिसमें शासक भले उनकी जाति का है लेकिन विचारधारा की हकनी इतनी तगड़ी है कि वह अपने अहित के साथ खड़ा है। ऐसे में देखना यह होगा कि यह संघर्ष व्यक्तिगत से कैसे सामाजिक और सामाजिक से कैसे आंदोलनात्मक बनता है। इस देश के लिए बेहद जरूरी है कि महंगी होती शिक्षा और गरीब से दूर होती शिक्षा के लिए यह संघर्ष आगे बढ़े। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। द मूक नायक जनवादी पत्रकारिता करता है। यह संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय पर चलने वाला चैनल है। अगर आप भी चाहते हैं द मूक नायक हमेशा हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बुलंद करता रहे, बेजुबानों की पीड़ा दिखाता रहे, तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने वाला लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आपको ये लिंक मिलेगा, जहाँ पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं और हमारे काम को आगे बढ़ा सकते हैं।